हरे कृष्णा। तो भाई जियो फाइनेंशियल का आज मंडे था, आज 90% लोगों को ये उनके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। अब रहा 10% कौन है, तो कुछ ब्रोकर जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट में जिनका भी अकाउंट है, उनको ये चीज़ अभी नहीं दिख रहा होगा। बहुत लोगों को दिख रहा है, बहुत लोगों को नहीं दिख रहा है। तो आपको एक काम करना है, जा करके आपको स्टॉक होल्डिंग में चेक करना है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। नहीं तो आप छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री रहिए, कल आपको दिखेगा। क्योंकि कंप्लेन सभी लोगों ने कस्टमर केयर पे कॉल किया है, तो वहाँ से यही आया कि सर आपको कल तक दिखेगा। तो ये मेरे पास भी एक थे, तो उन्होंने कॉल किया, तो यही वहाँ से रिप्लाई आया कस्टमर केयर से कि कल तक आपको दिखने लगेगा सर, और नहीं तो आप जा करके अपना अकाउंट होल्डिंग चेक कर, स्टॉक होल्डिंग चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो चलिए, अब रहा क्या कि खुलने के बाद बहुत सारे लोग मतलब पागलपन में, जैसे 135 पे इसका लिस्टिंग हुआ वहाँ से डीमर्जर के बाद, तो 135 से अभी आपको 262 के आसपास, मतलब 61 पॉइंट समथिंग पे ये खुला है। तो इन लोगों को करीब मतलब 80-90% का प्रॉफिट अभी भी मेरा दिखा रहा है, 88% का प्रॉफिट, जबकि मतलब मार्केट खुलता है खुलने के कुछ ही देर बाद लोअर सर्किट लगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो एरिया है 5% का लोअर सर्किट लगा, और इसमें अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ इस पर मैं एक डिटेल्स बहुत बढ़िया आपको एक डिटेल्स वीडियो कल आपको दिखाऊंगा। आज थोड़ा सा समझ लीजिए कि कल क्या करना है आपको। कल किसी भी तरह से पागलपन में मैं तो समझूंगा कि मैं इसको होल्ड करूंगा, ये रिकमेंडेशन नहीं है। देखिए 50 मिलियन शेयर ये 15 मिनट में सेल हुआ था यहाँ पे, 50 मिलियन शेयर। और अभी क्या है, अभी अगर आप इसको इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं, मतलब सेम डे खरीदना है, सेम डे बेचना है, तो ये चीज़ नहीं होगा। अभी आपको 10 दिन तक, आज से 10 दिन तक अगर आज आप इसको ले जाते हो, तो ये कल आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, और उसके बाद ही आप इसको बेच सकते हो। मतलब इसको आपको डिलीवरी में ले ही जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग जिनको प्रॉफिट हुआ है वो बेच रहे हैं, इससे पैनिक नहीं होना है। जिनको लॉन्ग टर्म अगर सोचना है, बजाज और ये रिलायंस जियो, ठीक है, मतलब जियो फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस जो है, उसके साथ क्या है, मार्केट का क्या न्यूज है, जैसे कॉल आने लगा है, टीम बनना शुरू हो गया है, इसका भी मार्केट में टीम बनना शुरू हो गया। जैसे रिलायंस डिजिटल में आप जाते हो तो वहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस के लोग मिल जाते हैं कि लोन कर देते हैं, मतलब एरिया है रिलायंस का और वहाँ पे कंपनी कोई और लोन कर रही है। तो रिलायंस ने अभी तक, ये तो मैं एक लोन वाला सेक्टर बता रहा हूँ, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, तो समझिए चीज़ों को, जिसके पास मार्केट में धंधा में पैसा है वो गेम कर सकता है भाई, बड़ा बड़ा गेम। उधार पे अगर डाल दो ना शुरू में, तो बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे बजाज फिनसर्व कार्ड बनाने का 600 या 700 रुपये लेती है, ये क्या कर देगा, फ्री कर देगा। जैसे जियो है, फ्री कर देगा, जितना कस्टमर अभी बजाज का एग्जिस्टिंग कस्टमर होगा ना बजाज फिनसर्व का, वो यहाँ चला जाएगा। तो लेकिन अभी बजाज को भी बीट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये कल एक बड़ा डिटेल्ड वीडियो में बना रहा हूँ, उसमें देखिएगा, उसमें समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अभी क्या करना, शॉर्ट टर्म का क्या है और लॉन्ग टर्म का क्या है, थोड़ा समझिएगा, जो मेरा ओपिनियन है, बाकी आपको एनालिसिस के लिए बस ऐसे ही आपको बताया जा रहा है। प्लस अभी जिनको लेना है, तो अगर आपको किसी को लाख रुपया का लेना है सपोज, ठीक है, तो आपको 33% वाला फॉर्मूला से यहाँ चलना होगा। जब डीप लगे तो आप 33% का बाई कर सकते हैं, मतलब ये एक रूल टाइप समझिए आप, कि जब ये आज 5% का लोअर सर्किट लगा, ठीक है, भागने दीजिए। जिनको 135 वाला प्रॉफिट हुआ है भाई, तो वो तो प्रॉफिट बुक करके भागेगा ही ना। बहुत लोगों को लग रहा है, जैसे रूमर तो होता है कि जैसे रिलायंस पावर का हुआ था, इसी तरह से इसका होगा। अभी बैक टू बैक बहुत सारा IPO ऐसा रहा है जो फ्लॉप हुआ है, मतलब कि पेटीएम का आप ले लो तो पेटीएम का वही कहानी हुआ, LIC का हुआ। तो भाई ये सब का बात अलग है, यहाँ पे खुद अंबानी साहब इन्वॉल्व हैं, और उनको हल्के में मत लो। जिस सेक्टर में गए हैं, जैसे आप अगर आप देख लोगे टेलीकॉम सेक्टर, तो मैं वोडाफोन में खुद काम किया हूँ, तो वोडाफोन बर्बाद, वोडाफोन का बीटा हमेशा निगेटिव रहता था, मतलब प्रॉफिट होता ही नहीं था। इधर बिहार झारखंड का मैं बात बता रहा हूँ, तो उसी तरह से एयरटेल था, वर्जिन मोबाइल था, यूनिनॉर जो बाद में टेलीनॉर करके हुआ था, मतलब 1,00,000 कंपनी, इस तरह से समझ लो, लाख नहीं मतलब बहुत सारा कंपनी, जो नाम बोलो उससे कंपनी सबको। आज देख लो कौन है मार्केट लीडर, एयरटेल और ये जियो और आपका आइडिया वोडा जो रहा, बस और तो कोई दिख नहीं रहा। अब
उसी तरह से ये जब OTT में आया तो आज देखो जियो सिनेमा उसी का बोलवाला हो गया, ऐसा ऐसा वेब सीरीज दे रहा है कि आप देखते रह जाइए, फ्री में देखते रह जाइए। तो अब इस सेक्टर में आ रहा है, प्लस ब्लैक रॉक, ब्लैक रॉक के बारे में आप लोग पढ़िए कभी समय निकाल करके। ब्लैक रॉक जो है इंडिया का इकोनॉमी से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना। अब उसके पास भी पैसा का दिक्कत नहीं है, इसके पास भी, रिलायंस के पास भी पैसा का दिक्कत नहीं है, दोनों 50-50 मतलब परसेंट का पार्टनरशिप है। तो चलिए ये सब डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना आप समझ लीजिए कि इसका टीम बनना शुरू हो गया, जो टीम मार्केट में काम करेगी वो टीम बनना शुरू होगा। क्यों कैसे सब मैं कल आपको बताऊंगा डिटेल्स, एक लंबा वीडियो होगा उसमें। तो अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं होल्ड कीजिए, और जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नीचे जाए तो अगर कुछ पैसा बनाना है तो भाई इसमें मतलब लोगों को निकाल करके अंबानी साहब फिर से नीचे से खरीद लेंगे, खुद खरीद लेंगे, क्योंकि इसका बिजनेस अच्छा ही जाएगा। अभी तक इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि कौन कौन सा काम ये करेंगे, अभी तो सब एनालिसिस दे रहा है, सब कुछ ना कुछ। लेकिन टीम बनना शुरू हो गया है, लोगों के पास कॉल आना शुरू हो गया है कि ज्वाइन करोगे तो मज़ा आएगा। तो कल का वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, कल मैं आपको बताऊँगा। बाकी इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जिनका भी डीमैट अकाउंट में नहीं आया है वो मैसेज कीजिए। देखिए पिछला वीडियो पे मैंने जितना भी हो सकता था सबको रिप्लाई किया कि हाँ भाई इस तरह से देख लीजिए, इतना दिन का वेट कर लीजिए, ऐसे ऐसे जो मेरे से बन पाया मैंने किया। तो आपसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी सब्सक्राइब शेयर लाइक्स वगैरह कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। हरे कृष्णा।